क्लास 10th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 क्रोनिकल डिस्पर्शन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिस्पर्सर इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन इन द एंटायर स्टैंड। इस वाले क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन के डायग्राम को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपका ये जो एक स्टैंड है ये किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, क्यूबॉइड फॉर्म में स्टैंड है। इसमें उन्होंने 4 पेन स्टैंड है, इसीलिए पेन रखने के लिए 4 इसमें से कोन के शेप में 4 बनाए हुए हैं, 4 बॉक्स। देखिए ये 1, 2, 3, 4 इनका शेप कैसा है, इनका कोन के शेप में इसको दिखाया गया है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने आपको स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोई आपका एक बॉक्स है, इसमें इन्होंने 4 होल्स किए हुए हैं, वो भी किस शेप में है आपके, कोन की शेप में, ठीक है। इसमें ये आराम से पेन को फंसा सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, इसमें 2 चीजें हैं आपके, इसमें 2 थिंग्स हैं, 2 चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो आपके पास ये हो गया प्लस ये आपके पास ये हो गया कौन है, ये है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका वॉल्यूम, आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए उन्होंने बताया है कि लेंथ जो है वो इसकी 15 है, विड्थ जो है वो इसकी 10 है और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ऑल दीज आर सेंटीमीटर्स। देन हम इसको फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, विड्थ, हाइट। तो इसमें आप इसके वैल्यूज को पुट करते हैं 15, 10, 3.5, तो ये आपका मल्टीप्लाई जो है वो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसीलिए आया क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। इसके बाद अब इन्होंने बोला है कि आपका ये कोन शेप में, इसमें से आपने इसको हटा के इसका शेप दिया है कोन की में, तो हम निकालेंगे फिर एक वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके चारों के निकल आएंगे। या आप डायरेक्ट 4 कोन्स का वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्री, तो ये आपका आ जाएगा 4 का निकाल रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए सॉल्व करेंगे 4/3 22/7 आर की जो वैल्यू है। अब इसमें आपको देखिए क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू क्या दी गई है, तो आपको रेडियस दी गई है 0.5 सेंटीमीटर एंड इसकी जो डेप्थ है वो दी गई है आपको 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज, ये ना एच की वैल्यू दी गई है 1.4। हम इसमें लिखेंगे 0.5 स्क्वायर 1.4, ये यहां पर हम करेंगे इसको कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0.2, ये आपका 0.2 होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 4/3 22, 5/10 5/10 2/10, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देन आपका जिसका सॉल्यूशन है वो आप इसको सॉल्व करने के बाद लिखेंगे, तो इसका आंसर आपका आएगा 1.47 सेंटीमीटर
क्यू। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड आप इसमें देखिए, पहले आपके पास ये पूरा था, उसके बाद आपने उसमें से इतने हिस्से इस तरीके के चार भाग को हटा दिया। हटाने का मतलब होता है आपने इसमें से क्या कर दिया, उस चीज को माइनस कर दिया है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 525 आपके पास पूरा वॉल्यूम था जिसमें से आपने 1.47 पार्ट को हटा दिया है, देन टोटल पार्ट जो रहा वो आपका आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।